दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में भारत सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बना हुआ है। आर्थिक मोर्चे पर आने वाले समय में क्या बड़ी चुनौतियां होंगी, क्या रोडमैप सरकार को फॉलो करना चाहिए इस ग्रोथ मोमेंटम को आने वाले समय में बनाए रखने के लिए, और विशेषकर आर्थिक विकास में सुधार के साथ साथ रोजगार के अवसर अर्थव्यवस्था में और कैसे बढ़ाए जाएं, रोजगार के मोर्चे पर अभी क्या स्थिति है, इन सब पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं अर्थशास्त्री डॉक्टर अरविंद विरमानी, जो नीति आयोग के सदस्य भी हैं। एनडीटीवी में आपका स्वागत है। पहला सवाल है कि आर्थिक मोर्चे पर बहुत चर्चा होती है कि दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में भारत सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है, आगे के लिए भी प्रोजेक्शंस बहुत पॉजिटिव हैं। अभी रोजगार के मोर्चे पर आपको क्या लगता है, सबसे बड़ी चुनौती क्या है सरकार के साथ? तो पहले हमें शुरू करना चाहिए जो अर्थव्यवस्था है उसके साथ, फिर हम दूसरी चीज़ों में आएंगे। तो अगर हम इकोनॉमी को देखें तो आप देख रहे हैं कि कई इंटरनेशनल लोग अब चर्चा करने लग गए हैं इंडिया के बारे। क्यों है? क्योंकि जब पेंडेमिक हुआ था तो सारी इकोनॉमीज दुनिया में उनकी अर्थव्यवस्था खराब हुई थी, और वो कंपेयर कर रहे थे कि अलग अलग देश कितनी जल्दी उससे रिकवर करके वापस अपनी स्थान जो पुराना था उस पर आ सकते हैं। तो इस विषय में हमारा भी इकोनॉमिक अर्थव्यवस्था खराब हुई और एक साल में उसको वापस हम पुरानी स्थान में आ गए। दूसरी तरह जो अक्रॉस द वर्ल्ड देखते हैं वो है कि अगर पैंडेमिक नहीं होता तो इकोनॉमी कहाँ तक पहुँची होती। तो अमेरिका में, यूरोप में, और हम भी ऐसे अगर करें तो अमेरिका के सिवाय सब इकोनॉमीज़ जो हैं वो अपने पुराने अर्थव्यवस्था का जीडीपी पाथ जिसको बोलते हैं उससे कम है। पर अच्छी गुड न्यूज़ ये है कि इंडिया रिकवर भी करी है और अब हम उस पाथ पे आ गए हैं। आपने देखा ही है पिछले साल 7.2% ग्रोथ हुई, फिर उसके बाद 8.2% हुई। इसका मतलब है हम जल्दी से वो जो पुराना पाथ था उस पे जा रहे हैं, और जो मेरी हमारी प्रोजेक्शंस हैं सबकी तकरीबन अब मिलजुल रही हैं कि 7% से ऊपर नीचे थोड़ा बहुत ग्रोथ होगी इस साल। और मेरी पर्सनल प्रोडिक्शन है कि ये एवरेज ग्रोथ हमारी इस डेकेड में 7% होगी। तो इस विषय से हम देखें तो हम रिकवर भी कर गए हैं और अच्छे पाथ पे वापस आ गए हैं। तो पहली तो ये चीज़ है। दूसरी चीज़ जो आपने अर्थव्यवस्था के बारे में बोला है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, और डेटा बेस्ड हमने एनालाइज उसको किया है बड़ा केयरफुली। तो दो तीन चीज़ें उस एनालिसिस में निकलती हैं। तो एक तो है अगर हम वर्कर पॉपुलेशन रेशियो जिसको कहते हैं, कितने जॉब्स हैं और कितनी पॉपुलेशन चढ़ रही है, तो वो देखते हैं कि जो कंसिस्टेंट डेटा सीरीज है PLFS डेटा, उसके हिसाब से फ्लक्चुएशन हो रही हैं पर ट्रेंड बहुत क्लियर है, ट्रेंड ऊपर की तरफ ऐसे जा रहा है। मैं अगर आप का होता तो मैं दो फोटो पिक्चर फिगर दिखाता, इतना क्लियर है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। तो मतलब क्या है इसका? वर्कर पॉपुलेशन रेशियो पिछले 6-7 साल ऊपर जा रहा है। इसका मतलब है कि नंबर ऑफ जॉब्स जो हैं दोज आर ग्रोइंग फास्टर देन द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। मतलब जो वर्कर पॉपुलेशन रेशियो वो बढ़ रहा है, इसका मतलब है जो नंबर ऑफ जॉब्स आर ग्रोइंग फास्टर देन पॉपुलेशन। तो जो लोग कहते हैं कि बहुत खराब हो गया है, ये है वो डिफरेंट डेटा सोर्सेज यूज करते हैं 211 का, मैं खाली कह रहा हूँ एक कंसिस्टेंट डेटा सीरीज आप लो, उसको जोड़ने की ज़रूरत नहीं है या क्या है कंसिस्टेंट नहीं है, एक सीरीज हम लें तो उससे काफ़ी क्लियर है कि जॉब बढ़ रहे हैं। ओके, ये जो लोग कहते हैं कि ये घट रहे हैं ये वो, उसमें ट्रेंड में नहीं दिखता। सो पहली बात तो ये है। ओके, दूसरी बात है कि ऐसी चीज़ें उसमें अगर इंटरेस्ट हो तो जाऊँगा, पॉवर्टी को देखें अगर हम कंसिस्टेंट से वो कम हुई है, डिस्ट्रीब्यूशन है जो जीनी कोएफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन सब चीज़ें हमें दिख रही हैं कि इम्प्रूव हो रही हैं।
वो चीजें 10 साल ओवर 10 ईयर्स या 12 साल, ये जो एम्प्लॉयमेंट का मैंने बोला है वो 6-7 साल का जो कंसिस्टेंट डेटा है। तो आप पूछोगे कि इसका ये मतलब है कि कोई भी प्रॉब्लम नहीं है? है प्रॉब्लम, है। अब प्रॉब्लम क्या है, जो जिस दिशा से मैं देखता हूँ फॉर्मल और इनफॉर्मल सेक्टर दोनों में इश्यू है स्किल्स की, जॉब स्किल्स। फॉर्मल सेक्टर में तो है कि आपको जॉब पहले होता है क्योंकि सेक्टर कहता है, जैसे मैन्युफैक्चरिंग लो, पता है कितने लोग हमें चाहिए वो मशीनें चलाने के लिए ये वो, तो वहाँ पे जॉब क्रिएट होते हैं और आपको उसके स्किल चाहिए होते हैं, और वो सब जगह से हमें पता लग रहा है कि स्किल्ड पीपल कम मिल रहे हैं। इसका मतलब प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम उस सेक्टर में स्किलिंग की जॉब्स की नहीं है, स्किलिंग की है। आपको जो स्किल्स वहाँ पे उनको चाहिए वो लेनी पड़ेंगी ना, ये नहीं आप कह सकते कि मैं ये स्किल करूंगा और मुझे जॉब चाहिए। दुनिया ऐसे नहीं चलती, स्किल्स जिसकी डिमांड है उसकी स्किलिंग करनी पड़ेगी। इसके लिए हमारा जो स्किलिंग सिस्टम है उसको मैंने बड़ी केयरफुली एनालाइज किया है, उसमें उधार लाने पड़ेंगे, कुछ उधार 10 साल किए हैं तो ये और महत्वपूर्ण करने बात है। आप पड़ेंगे। ये कह रहे हैं कि रोजगार में, रोजगार के जो अवसर हैं अर्थव्यवस्था में वो बढ़ रहे हैं, पॉपुलेशन इंक्रीज के अनुपात में फॉर्मल, ज्यादा हाँ फॉर्मल टोटल सेक्टर। टोटल, ये फिर मैं कह रहा हूँ फॉर्मल इनफॉर्मल। इनफॉर्मल सेक्टर में होता है कि अगेन जो मैं कहता हूँ स्किल्स एंड जॉब्स आर टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। वहाँ पे सब जगह, क्योंकि बाय नेचर इनफॉर्मल है, तो जॉब का मतलब क्या है, जॉब एंड स्किल आर द सेम थिंग। अगर आपको जिस चीज की डिमांड है उसकी स्किल होगी तो जॉब अपने आप क्रिएट हो जाता है। कैसे, क्योंकि तीन टाइप्स की लेबर होती हैं, कैजुअल लेबर, सेल्फ एम्प्लॉयड और सैलरी एंड वेज। जो हमने फॉर्मल सेक्टर की बात की है वो सब सैलरी एंड वेज वर्क कर रहे हैं, पर सेल्फ एम्प्लॉयड का क्या है, उनकी जो स्किल्स हैं बढ़ानी पड़ेंगी तब वेजेस बढ़ेंगे। स्किल्स, प्रोडक्टिविटी, वेजेस, तो स्किल्स उसकी पहले जाती हैं। जो पर वो नहीं है कि ऐसे नहीं है कि मैं डिमांड कर रहा हूं, मैं ढूंढ नहीं रहा, क्योंकि मुझे ही अपनी स्किल्स करनी पड़ेंगी। एक मैं आपको उदाहरण देता हूं, जैसे हाउस होल्ड एंटरप्राइज होती है, वो टेक्सटाइल का कुछ बना रहा है या कपड़ा बना रहा है या कुछ इसका की जैकेट बना रहा है, अगर हम उसकी बीबी को या लड़की को मैनेजीरियल स्किल्स देंगे, जैसे विश्वकर्मा में कुछ इसका हो रहा है, तो वो जॉब अपने आप क्रिएट हो जाता है। आप समझे कि नहीं, थोड़ा नहीं, नया समझ गया, कॉन्सेप्ट है, अंडरस्टूड। अगर आप स्किल्स इंपार्ट करेंगे तो जॉब उसके अपने आप साथ ही क्रिएट क्रिएट होती होता है। है, कई चीज इनफॉर्मल सेक्टर में। मैं सब पर ये जगह, ट्रेंड क्या हर एक सेक्टर में? सो मैं कह रहा हूं कि ये चीज नहीं, ये मैं फ्यूचर की अब बात कर रहा हूं, पुरानी तो बात मैंने कर दी है, जो सिचुएशन थी। मैं कह रहा हूं जो मैंने एनालाइज किया है कि इशू क्या है, फिर जॉब की इशू क्या है, तो इशू है बेसिक एजुकेशन। अगर आपके आधे लोग, आपको याद रखना चाहिए बेसिक एजुकेशन स्कूलिंग सारी स्टेट्स में होती है, यहाँ दिल्ली में नहीं होती, तो हर स्टेट को अपना जो क्वालिटी ऑफ प्राइमरी एजुकेशन उसको बढ़ाना पड़ेगा। अगर वहाँ पे आप उसको सर्टिफिकेट देते हैं भाई इसने प्राइमरी एजुकेशन कर ली है और वो पढ़ भी नहीं सके, तो वो क्या काम करेगा? तो मैं ये कह रहा हूं कि ध्यान थोड़ा सा, जो इतना हमारा कितना है इनफॉर्मल सेक्टर, तकरीबन 80 से 90% इनफॉर्मल सेक्टर है। फॉर्मल सेक्टर की तो हम इसलिए बात करते हैं क्योंकि हम और मैं और हमारे बच्चे फॉर्मल सेक्टर में जाते हैं, पर अगर हमें सोचना है सारी कंट्री का, इनफॉर्मल तो की बात। हाँ इनफॉर्मल पे भी ध्यान देना पड़ता है और उसकी स्किलिंग रिक्वायरमेंट्स जो हैं और कैसे उसका बेसिक एजुकेशन स्किलिंग बढ़े, वो एक प्रॉब्लम है। और प्रॉब्लम नहीं मतलब इशू है जिस जो हमें एड्रेस करनी पड़ेगी अगर हम ये विकसित भारत बनना चाहते हैं। इसका बजट में भी एक रोड मैप पेश किया हाँ गया है, नहीं, विशेषकर इंस्टीट्यूशंस हैं जो स्किलिंग करते हैं, उनकी क्षमता जो है वो बढ़ाने के लिए, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार के बिल्कुल, लिए बहुत सारे प्रावधान बजट में शामिल किए गए। हाँ पर आपने जो ये कहा कि वर्कर स्किलिंग एंड स्किलिंग जॉब्स आर एंड टू जॉब साइड्स ऑफ टू सेम सेम कॉइन, कॉइन, और जिस अनुपात में जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो रही है वो पॉपुलेशन में जो इंक्रीज है उससे ज्यादा है, तो क्या ये एक्रॉस सेक्टर है फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों में या सिर्फ फॉर्मल सेक्टर में? नहीं देखिए, अब फिर हम डिफरेंट सोर्सेस को जोड़ रहे हैं। जो मैंने एम्प्लॉयमेंट की बात की थी वो एक सोर्स से है, उसके बाद हम स्किलिंग का इंफॉर्मेशन बहुत कम है, जॉब स्किल्स का,
तो हम डिफरेंट सोर्सेज से लेते हैं। तो फॉर एग्जांपल जस्ट आपको फ्लेवर देने के लिए, ये सिंपल चीज़ नहीं है, बहुत कठिन चीज़ है क्योंकि डेटा बहुत कम है। तो एक तो पीएलएफएस के जो सब्सिडरी ऑक्यूपेशंस हैं उससे हमने थोड़ा बहुत उसके साथ जोड़ा है और देखा है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, जो कैजुअल लेबर है उसके रियल वेजेस ये 7 सालों में सबसे ज्यादा बढ़े हैं, सैलरीड वर्कर के नहीं, इनके रियल वेजेस बढ़ रहे हैं। ये 7 साल कौन सा पीरियड आप बता रहे हैं? 7 साल पीरियड है 2017-18 टू 22-23। ओके, 17-18 और 22-23 वेजेस भी बढ़े हैं, वेज रेट, रियल वेजेस ऑफ कैजुअल वर्कर्स। कैजुअल वर्कर्स लोग कहते हैं कि क्वालिटी ऑफ जॉब्स इज गोइंग डाउन, नाउ लुक एट द रियलिटी। रियलिटी क्या है कि ये एक ही ग्रुप है लेबर के, मैंने बताया ना कि तीन ग्रुप होते हैं, कैजुअल लेबर, सेल्फ एम्प्लॉयड और सैलरी रेगुलर उसको बोलते हैं, रेगुलर वेज सैलरी। वो खाली फॉर्मल नहीं है, उसमें इनफॉर्मल भी है। जैसे आपकी कोई घर में काम करती है अगर वो मंथली उसको वेज मिलता है, वो भी इस थर्ड कैटेगरी में आती है, कैजुअल में और सेल्फ एम्प्लॉयड में नहीं आएगी। तो हमने इसका अलग अलग एस्टिमेट करके कि वेजेस को क्या हो रहा है और उसको इन्फ्लेशन से डिफ्लेट करो तो क्या रियल वेज कैसे बढ़ रहा है, जो अर्थशास्त्री बोलते हैं। तो मुझे अपने आप आश्चर्य हुआ था कि कैजुअल लेबर का रियल वेज बढ़ रहा है इन 7 साल, बाकियों का नहीं बढ़ रहा। तो इसका मतलब है जो हम सोचते हैं कि बॉटम ऑफ द पिरामिड है उनके वेजेस बढ़ रहे हैं, इसका मतलब वो डिस्ट्रेस नहीं है। उसका मतलब जो मैं इकोनॉमिस्ट उससे समझता हूँ कि डिमांड फॉर कैजुअल लेबर सप्लाई से ज्यादा तेजी से बढ़ रही है, इसलिए उनके रियल वेजेस बढ़ रहे हैं। उनको ज्यादा पैसे देने पड़ते हैं क्योंकि इनफ लेबर नहीं है, कैजुअल लेबर, समझ गए, कैजुअल लेबर, यस, बाकियों के नहीं बढ़ रहे। जो जो है क्या कहते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड, वो तकरीबन स्टेबल है रियल वेज, अगेन वेज बढ़ रहा है पर वो इन्फ्लेशन के रफली इक्वल है, जितनी भी इन्फ्लेशन है। तो इसका मतलब है कि कई जगह, और उसको मैंने फिर दूसरे सोर्स से एनालाइज किया और उसमें लगा कि जैसे हैंडीक्राफ्ट वर्कर्स हैं रूरल, उनके बढ़ रहे हैं। तो उसका कनेक्शन, अगेन एनालिसिस है, कनेक्शन है, क्योंकि डेटा इतना नहीं है, तो उससे लगता है कि जहां पे भी सेल्फ एम्प्लॉयड की स्किल्स बढ़ रही हैं वहां वेजेस बढ़ रहे हैं। तो कंक्लूजन, इसका मतलब है हमें उनकी स्किल्स बढ़ानी चाहिए, वो अपने आप नहीं बढ़ेंगी, आपको अपॉर्चुनिटी देंगे। विश्वकर्मा स्कीम जैसे बनाई है, उनके जो स्किल्स से प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, वेजेस बढ़ते हैं। दैट इज द न्यू थिंग वी आर सेइंग। और जैसे आपने बजट, मेरे ख्याल से, मैंने कई बजट देखी हैं, मेरे ख्याल से ये फर्स्ट टाइम रिकॉग्निशन है कि जो मैं कह रहा हूँ, स्किल्स एंड वेजेस आर टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। जॉब ऐसे आइसोलेटेड नहीं होता, उसके साथ स्किल जुड़ी हुई होती है। कुछ अर्थशास्त्री ये मानते हैं कि जिस रफ्तार से भारत की अर्थव्यवस्था आगे बढ़ रही है, जो जीडीपी की जो रफ्तार है, जो आर्थिक विकास दर है, उस अनुपात में एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन नहीं हो रहा है। ये भी आपने पढ़ा होगा और सुना भी होगा। हाँ, पर उसी की तो चर्चा हम कर रहे हैं। हमने बोला है कि ये मेरे डेटा नहीं ये दिखाता। अगर आप लॉन्ग टर्म देखें, एक दिन बढ़ गया दूसरे दिन, मैं उसकी बात नहीं कर रहा कि आपको पिछले क्वार्टर में इतना था अब इतना है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं लॉन्ग टर्म ट्रेंड की बात कर रहा हूँ। हाँ, जो मेरे को कंसिस्टेंट डेटा मिल रहा है उसी से तो मैं डिसएग्री कर रहा हूँ कि मैं ट्रेंड को देखूं। क्यों मैं ट्रेंड को देख रहा हूँ? क्योंकि मेरा मकसद है कि हम आगे कैसे जाएंगे, पीछे की बात नहीं है। जो डे टू डे मैनेजमेंट है वो फाइनेंस मिनिस्ट्री में होती है, हमें आगे का देखना है, विजन देखनी है, 5 साल बाद क्या होगा, 10 साल। तो उसके लिए जो हमें इश्यूज हैं उसको क्लियरफुली एनालाइज करके और किस चीज पे ध्यान देना है ताकि हम वहां तक पहुंचे। जी, तो लॉन्ग टर्म के कॉन्टेक्स्ट में एक बहुत महत्वपूर्ण बयान आया, जो IMF की फर्स्ट डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर है गीता गोपीनाथ, वो भारत आई थी अभी, और उन्होंने कहा कि बाय 2030 यानी अगले 6 साल में 60 मिलियन टू 148 मिलियन एडिशनल जॉब्स हैव टू बी क्रिएटेड इन द इकोनॉमी, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ेगी, जो लोग एस्पिरेशनल हैं जॉब्स के लिए उनकी संख्या भी बढ़ रही है। इस आकलन को आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये हर बंदा जो करता है नंबर्स, तो आप कुछ भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, पर मेरा बेसिक इशू है जो दुनिया में अभी तक इंडिया के बारे मेरे ख्याल से किसी को समझ नहीं आया,
मैं आई एम सॉरी कि मैं रिपीट कर रहा हूँ, लोग सोचते हैं ये जॉब है, वो जॉब वहाँ पड़ा हुआ है और आप उसको एडवर्टाइजमेंट दे रहे हैं, जॉब आके हमें बताइए। मैं कह रहा हूँ वो खाली फॉर्मल सेक्टर में है, फॉर्मल सेक्टर आपका 8 से 15% है बस। जो ये सब बोलते हैं उनको कुछ आइडिया ही नहीं है कि क्या बाकी को क्या करोगे। 15% का आप बात कर रहे हो, 85% का क्या हो रहा है। मैं कह रहा हूँ उसको स्किल करना पड़ेगा, उसकी बेसिक एजुकेशन बढ़ानी पड़ेगी, नहीं तो कुछ नहीं होगा। इंडिया हैज अ ह्यूज इनफॉर्मल सेक्टर, ये मैं नई बात कर रहा हूँ, ये वो नहीं कर रहे। वो फॉर्मल सेक्टर को लेते हैं, उसको कहते हैं इतना बढ़ेगा, उतना बढ़ना पड़ जाएगा। मैन्युफैक्चरिंग का डेटा कहाँ है, इनफॉर्मल का तो है ही नहीं डेटा, तो कैसे वो सब फॉर्मल की बात कर रहे हैं जो डेटा है। मैं कह रहा हूँ ठीक है, फॉर्मल का भी हमें करना है। फॉर एग्जाम्पल हम देख रहे हैं कि जो एंकर इन्वेस्टर FDI आ रही हैं, जैसे मोबाइल फोन प्रोड्यूसर्स वगैरह, वो सप्लाई चेन बना रहे हैं, असेंबली बना रहे हैं वहाँ पे, हाँ कनेक्टेड PLI से वहाँ पे जॉब्स क्रिएट कर रहे हैं। तो ये बड़ी कंपनी अपने आप उनको ट्रेनिंग देती है और वो हो गया जॉब। ओके, बहुत मैन्युफैक्चरिंग में बढ़ रहे हैं लड़कियां, फीमेल जॉब बढ़ रहे हैं, वो तो हो रहा है। उसके लिए हम अट्रैक्ट करेंगे, वो जॉब अपने आप क्रिएट करते हैं, अपने आप स्किल्स देते हैं। ओके, सो दैट इज नॉट अ वरी थिंग देयर। उसमें इशू ये है कि उनको लाओ, उनको कैसे सब प्रदेशों में जाएं, एक दो या चार प्रदेश में ना जाएं। और PM का आदेश है कि आपका हमारा ड्यूटी जॉब है कि हम वो कंडीशंस हेल्प करें। हम कंडीशन थोड़ी क्रिएट कर सकते हैं, वो तो स्टेट ही कर सकती है ना, तो स्टेट्स को हेल्प करें कैसे वो FDI एंकर इन्वेस्टर आए ताकि आपके जॉब बढ़े वहां पे। तो वो तो फॉर्मल सेक्टर है, सारा फॉर्मल है। मैं जो ज्यादा बात कर रहा हूँ वो इनफॉर्मल की कर रहा हूँ, जो 85% ऑफ द जॉब्स आर इन द इकोनॉमी, उसको क्या करें, उसमें जॉब्स कैसे क्रिएट करोगे। मैं कह रहा हूँ जॉब में मत सोचो, स्किल्स सोचो, क्या स्किल इस्तेमाल हो सकती है। मैं आपको एक उदाहरण दूंगा, मेरे को उसका नाम भूल गया, एक NGO आई थी, उसने कहा हमने 9 डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ जॉब्स सोचे हैं बिलो द लेवल ऑफ टीचर, एजुकेशन में खाली 9 कैटेगरीज, उसके सबके स्किल दिखाए हैं, उसकी सर्टिफिकेशन की है और एंटायर फर्स्ट बैच जो क्रिएट है उनको जॉब मिल गए। और वो जॉब थे थोड़ी, किसी को पता ही नहीं था कि वो स्किल हैं, ये पहली बार ही उन्होंने सर्टिफिकेट बनाए हैं, उसका कोर्स बनाया है, उनको ट्रेन किया है और वो इमीडिएटली प्लेसमेंट किया है। क्या हुआ, देयर वर नो जॉब्स, यू हैव क्रिएटेड देम बिकॉज द स्किल्स आर देयर, विदाउट द स्किल देयर वाज नो जॉब। तो आप ये कह रहे हैं कि राज्य सरकारों को अब इस पर फोकस करना होगा, दोनों चीजों पर करना होगा, दोनों पे करना होगा। फॉर्मल में ज्यादा है इन्वेस्टमेंट एंड लेबर इंटेंसिव ग्रोथ, जिसको हम कहते हैं टैक्स डिस्टॉर्शन वगैरह, जो बड़ी बड़ी चीजें हम रोज बात कर रहे हैं। अब मैं ज्यादा फॉर्मल, बिकॉज आपके अब वाइड ऑडियंस है, अब मैं ज्यादा फॉर्मल का एम्फोसाइज कर रहा हूँ, उसकी भी बात कर सकते हैं, मैं कहता नहीं हूँ। मैं कह रहा हूँ नई समझ जो हमारी है, जो हमने पिछले 2 साल या ज्यादा कई प्रोग्राम पहले से आ रहे हैं, पर मैं इंटीग्रेटेड बात कर रहा हूँ। जिस फॉर एग्जाम्पल हमारे निपुण प्रोग्राम है कई गवर्नमेंट के पिछले 10 साल, ये नहीं कह रहा कि किसी को पता नहीं था, मैं कह रहा हूँ जो इंटरनेशनल बात करते हैं वो उनको ये चीज अभी पूरी ग्रास्प नहीं की है कि नेचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, नॉट दैट हमारी गवर्नमेंट नहीं, गवर्नमेंट तो कोशिश कर रही है कब से, ये कई प्रोग्राम शुरू हुए हैं पिछले 10 साल, स्किल डेवलपमेंट पे तो बहुत ही ज्यादा फोकस रहा है। दूसरा ये कि क्या आपको लगता है कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करने के लिए, आपने कहा इनफॉर्मल सेक्टर में विशेषकर बहुत जरूरी है कि हम स्किलिंग पर ध्यान दें, प्राइमरी एजुकेशन लेवल पे ही स्टेट्स को बहुत ज्यादा फोकस करना होगा, सो दैट वी, सॉरी एक चीज मैं भूल गया, दूसरी जो फॉर्मल का है ना वो प्रॉफिटेबल भी है, तो वहां पे इंडस्ट्री ऑलरेडी है, स्किल इंडस्ट्री प्लेसमेंट, जो जॉब प्लेसमेंट करते हैं, तो दैट इज द सेकेंड रीजन। दूसरा वजह है कि मैं इनफॉर्मल, मैं नहीं कह रहा, मैं वो भी कह रहा हूँ कि वो स्किल इंडस्ट्री को प्रमोट करो, ओके, वो भी करना है, फिर वो हैंडल कर सकती है, पर ये जो है ये प्रॉफिटेबल नहीं है, ये गवर्नमेंट NGO वगैरह को ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, तो वो भी करना है, आप गलत नहीं है वो, पर फॉर्मल सेक्टर इज वेरी ऑर्गेनाइज,
उनके पास सारी इंफॉर्मेशन है, वो इधर उधर से सबसे ला के उसको मार्केट बना सकते हैं। वो कहते हैं ठीक है हमें एक महीने की सैलरी दो आपको, हम ढूंढ के ले आएंगे लोग। तो दैट टॉप पार्ट, दैट इज द फॉर्मल टॉप पार्ट, इज ऑलरेडी फंक्शनिंग क्वाइट वेल। आई एम नॉट, मैं ये नहीं कह रहा परफेक्ट है, और मेरा ध्यान उस पर भी है कि उसको कैसे ज्यादा एफिशिएंट बनाएं। तो वो भी सेक्शन है और इनफॉर्मल भी है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और आने वाले समय में, अब आपने कहा विकसित भारत का भी एक एजेंडा है और एक लॉन्ग टर्म प्लान के तहत भी प्रधानमंत्री लगातार स्टेक होल्डर्स को कहते रहे कि आप लॉन्ग टर्म प्लान बनाइए, हमको भारत को एक विकसित देश बनाना है। आने वाले 23-24 साल बहुत अहम होंगे इस दिशा में, 2047 तक का जो हमारा एजेंडा है। आने वाले 2-2.5 दशक में क्या लॉन्ग टर्म एजेंडा होना चाहिए आपको लगता है सरकार का? तो देखिए, थोड़ी सी आपको करेक्ट करूंगा, प्रधानमंत्री सेंट्रल प्लानिंग में नहीं बिलीव करते, इसीलिए प्लानिंग कमीशन को नीति से रिप्लेस किया था। तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट फर्क है, क्योंकि सेंट्रल प्लानिंग का मतलब होता है ऊपर से प्लान बनता है और फिर नीचे स्टेट तक जाता है और फिर वो करें नहीं करें, उसका लिंक नीचे से कम था। तो उसकी जगह नीति आयोग बना। तो नीति आयोग इस तहत में जो इशू आपने रेज किया है, इस कॉन्टेक्स्ट में जो प्रधानमंत्री जी की विजन है वो है कि हम विजन या ब्रॉड पिक्चर बनाएं ऊपर से और सब लोग बनाएं। इट इज नॉट कि हमने बना लिया और हम स्टेट को बताएंगे और स्टेट इसको, वो चाहते हैं कि सब लेवल्स पे सेंटर, हम तो कर रहे हैं थिंकिंग, सब करें। ये नहीं है कि एक बंदा एक प्लान, वो कह रहे हैं सब लोग सोचो, स्टेट लेवल पे भी सोचो, डिस्ट्रिक्ट पे, सिटीज पे, विलेजेस लेवल, वो चाहते हैं कि सब लोग सोचें कि क्या चाहते हैं विकसित, हाउ डू दे सी, किस तरह आप देखते हो विकसित को। अगेन, इसका मतलब नहीं है हम नहीं सोच रहे, मैं भी सोच रहा हूँ और लोग भी सोच रहे हैं, मेरा वर्किंग पेपर आ गया है जो हम सोचते हैं, हमारा तो काम ही सोचना है, तो आई हैव पुट आउट अ पेपर। बट हिज कॉन्सेप्ट इज नॉट कि एक बंदा बैठा के या चार बंदे बैठ के प्लान बना ले, उनका मतलब है कि सब लोगों को पार्टिसिपेशन, दैट इज द डिफरेंस इन अप्रोच, एक टॉप डाउन और बॉटम अप। ऑफकोर्स एक्सट्रीम तो एक्सट्रीम होते हैं, कहीं पे थोड़ा उसमें एक कम होता है ज्यादा होता है, मैं ये नहीं कहना चाहता, पर देयर इज अ अप्रोच इज लाइक दैट, कि टॉप डाउन ना हो, बॉटम अप होना चाहिए जितनी पॉसिबल हो ऑब्वियसली। पर तब इस दिशा में आपको क्या लगता है कि एज अ टीम इंडिया सेंटर एंड स्टेट्स को एक साथ काम करना होगा? आपने कहा कि सबको अपना विजन तैयार करना होगा। राइट, तो आप देखेंगे, फिर किसी दिन डिस्कस करेंगे, जो मैंने वर्किंग पेपर किया है तो वो मैंने एक विजन रखी है, पर कई स्टेट्स अपनी नीति, उनको नीति की हेल्प से और लोगों की हेल्प से, कई स्टेट्स हैं, मुझे नंबर भूल गया, तकरीबन 5-10 स्टेट्स हैं जिन्होंने ऑलरेडी अपना विजन या बना लिया है या बना रहे हैं। ओके, तो ये होपफुली ये नेक्स्ट 5 अगले 5 साल में ये और स्टेट्स करेंगी और नीति हेल्प करेगी टू द एक्सटेंट के हमारी एक्सपीरियंस हो गई है, हम एक स्टेट से दूसरी स्टेट क्रॉस लेसन वगैरह करते रहते हैं, केस स्टडीज करते रहते हैं। पर जहाँ तक मेरे को समझ आती है, प्रधानमंत्री का आइडिया है कि इससे स्टेट पर खाली नहीं रहना चाहिए, इट शुड गो डाउन बिलो दैट, मतलब डिस्ट्रिक्ट पे जाए, सिटीज, हर स्टेट की कितनी सिटीज हैं, मतलब और डिस्ट्रिक्ट पे ब्लॉक लेवल, सबको अपना सोचना चाहिए कि हम अगर देखें 10 साल आगे, हम क्या चाहते हैं, हमें क्या है, मतलब क्या है, वट इज विजन का मतलब, अगर सिंप्लिसिटी में बोले विजन हमार को क्या मतलब उसमें, हम मतलब एक डिसेंट्रलाइज विजन विकसित भारत, हाँ, मतलब ग्राउंड तक जाए सबको, पर ऊपर से नीचे नहीं, नीचे आप भी सोचिए ना, हाँ, आप सोचिए कि आपकी जो विजन और भारत विकसित भारत क्या है, मतलब देर आर इंटेलिजेंट पीपल और थिंकिंग पीपल सब जगह है ना, आप सोचिए, आप बता, आप भी सोचिए ना कि मैं जहां रह रहा हूं, मैं इस प्रदेश में रह रहा हूं या मैं इस डिस्ट्रिक्ट में रह रहा हूं, वहां पे क्या मतलब होगा विकसित भारत का। एक आखिरी सवाल इसी से जुड़ा है कि आपने राज्यों की भूमिका का जिक्र किया, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका, एक श्रम कानून पारित हुआ था संसद में,
अभी तक सारे राज्यों ने रूल्स फ्रेम नहीं किए हैं, जिसकी वजह से वो देश भर में लागू नहीं हो पा रहा है। इस बात की चर्चा है कि नीति आयोग इज ऑल्सो प्लेइंग ए प्रोएक्टिव रोल इस प्रोसेस में। श्रम कानून राज्य सरकारें क्यों नहीं अभी तक लागू कर पाई है? करीब 4 साल का वक्त हो चुका है। देखिए, ये जब मैं नीति में आया था ना, नवंबर 2022 में, ये पहली चीज मैंने इसका स्टॉक लिया था और उसके अगली वाली इकोनॉमिक सर्वे में इसका रिव्यू आया था। लेट मी सी, मेरे को अगर याद है एग्जैक्टली, तो जब मैंने स्टॉक लिया और इकोनॉमिक सर्वे ने लिया था उसी 2023 वाली, जहाँ तक मुझे याद है, 4 कोर्ट्स का तकरीबन हमारे 28 राज्य हैं और 29 राज्य हैं और 7 केंद्र शासित प्रदेश। 29 हो गया है, 29 स्टेट्स 7। ओके, आई हैव टू बेटर करेक्ट माय, ओके, मैंने गलत लिख दिया है मेरे वर्किंग पेपर में। चलो कोई बात नहीं। तो उसमें से तकरीबन 24, जहां तक मुझे याद है, 23 या 24 ने सारों के अपने रूल्स बना दिए थे। ओके, तो तकरीबन 3-4 एवरेज ऑन एवरेज के नहीं बने थे। तो इशू ये है कि अब आपने देखा ही है क्या और भी रिफॉर्म्स हुए हैं, लैंड रिफॉर्म्स, ये वो। तो इशू जहाँ तक है कि इन सम सेंस जो हम लोग रिफॉर्म की बात करते हैं, उनको कंडीशंस क्रिएट करनी चाहिए कि सब लोग जुड़ के मिले। व्हाई इज दैट नेसेसरी? बिकॉज अगर आप देखें, लेबर रिफॉर्म इज ऑन द कंकरेंट लिस्ट। इसका मतलब है, इन प्रिंसिपल अगर आपको सब जगह करना है, कंकरेंट का मतलब है कंकर करना पड़ेगा, नहीं तो कैसे होगा। लैंड जो है स्टेट लिस्ट में है, या रूरल लैंड हो या अर्बन, ये सब नीचे ग्राउंड पे होता है ना, ये यहाँ पे दिल्ली में थोड़ी लैंड होता है। लैंड इज अ स्टेट सब्जेक्ट, एग्रीकल्चर। सो जहाँ पे भी हम रिफॉर्म्स करना चाहते हैं या रह गए हैं, अभी पूरे हुए नहीं हैं, वो या कंकरेंट लिस्ट पे हैं या स्टेट लिस्ट पे। सो आइडिया इज कि हमें, हम लोग जो इस चीज़ में बिलीव करते हैं, मस्ट क्रिएट द कंडीशंस। हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। रिमेंबर जो मैं कह रहा हूँ, टॉप डाउन टू बॉटम अप, मतलब सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सब पार्टिसिपेट करें, सब उस पर जोर डालें। हमारी, हाँ हाँ, हमने बात की एम्प्लॉयमेंट की, अब जैसे हम कह रहे हैं, पुरानी बात है, कितनी देर, मैं थोड़ा बुढ़ा हो गया हूँ, मैंने कह के थक गया हूँ कि हमारे जो टेक्सटाइल प्लांट होते थे, अब मैंने रिव्यू नहीं किया, हमारे यहाँ पे 1,000 लोग भी नहीं एम्प्लॉय होते थे, बांग्लादेश में 10,000 होते थे प्लांट में, और चाइना में 100,000, 1,00,000 होते थे। क्यों? क्योंकि लेबर लॉज, आप देख लीजिए लेबर लॉज क्या फर्क है, हमारे सबसे स्ट्रिंजेंट थे, उनके कम थे, चीन में तो है ही नहीं था, जो भी लेबर लॉ है, तो आप इम्प्लॉय करो तो लेबर लॉ कोई नहीं है। मतलब हम उस वहां नहीं जाना चाहते, पर लेबर लॉज आर नेसेसरी इफ यू वांट फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट, नहीं तो फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट नहीं होगी, सब इनफॉर्मल होगी, बिलीव मी। ये कई स्टडीज की है, यानी रोजगार के दृष्टिकोण से भी बहुत जरूरी है कि श्रम सुधार। एग्जैक्टली, अगर आपको फॉर्मल रेगुलर जॉब चाहिए, अगर नहीं चाहिए तो ठीक है, सेल्फ एम्प्लॉयड करते रहो, कैजुअल लेबर करो, इनफॉर्मल में करो, कोई फायदा है? उसमें भी इम्प्रूवमेंट होगी, स्किल्स वगैरह हमें जनरेट करेंगे, करना चाहिए। पर फिर अगर सब फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट चाहते हैं तो लेबर लॉज का तो रिफॉर्म करना पड़ेगा ना, फ्लेक्सिबिलिटी लानी पड़ेगी। एक आखिरी सवाल, कब तक आपका आकलन है कि भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा? तो तीसरी, एक्चुअली अब पीरियड आगे आता जा रहा है, क्योंकि आपने सही बोला जो आपने शुरू किया था, और इंटरनेशनल लोग वो समझ रहे हैं कि जो दुनिया है ना, बोथ बिकॉज ऑफ जो 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस, जिसको कहते हैं ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ, और पैंडेमिक हुआ, इन सब से, और उसके इम्पैक्ट, डिसरप्शन ऑफ सप्लाई चेंज, ये वो, जो वॉर्स हो रही हैं यूरोप में, मिडल ईस्ट में, इस सब से लग रहा है कि जो और कंट्रीज हैं उनको ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट हो रहा है, हमें इतना नेगेटिव इफेक्ट नहीं। तो एक्चुअली हमारा कैचअप पीरियड अब कम हो गया है। मैं पिछले साल तक, शायद आपको भी मिला होगा, मैं कहता था 3 से 5 साल में
हम थर्ड लार्जेस्ट, अब मैं कह रहा हूँ विद इन 3 ईयर्स, 3 साल के अंदर हम थर्ड लार्जेस्ट हो जाएंगे। नॉट ओनली दैट, अब मेरी जो करंट फोरकास्ट है कि हम अपर मिडिल इनकम कंट्री बन जाएंगे बाय अराउंड 2030, विच विल बी अ बिग थिंग। यानी 2027 से पहले भारत तीसरी सत पे आ जाएगा। और फिर मोर इम्पोर्टेंट फॉर एवरीबडीज वेलफेयर, हम लोअर मिडिल इनकम कंट्री, क्योंकि ये जो वेलफेयर है वो जो साइज ऑफ इकोनॉमी एक चीज होती है, पर जो वेलफेयर ऑफ लोगों का वेलफेयर वो कनेक्टेड होता है पर कैपिटा जीडीपी से, जिससे हम लोअर मिडिल और अपर मिडिल कहते हैं, वो साइज पे नहीं डिपेंड करता, वो आपकी पर कैपिटा जीडीपी। तो मैं कह रहा हूँ दोनों चीजें होंगी अच्छी, हम थर्ड लार्जेस्ट भी बनेंगे और हमारी पर कैपिटा इनकम विच डिटरमिन्स एवरेज वेलफेयर ऑफ द पब्लिक इज गोइंग टू गो अप रैपिडली। 2030 में हम नेक्स्ट कैटेगरी में आ जाएंगे, पहले लो इनकम पे थे, फिर लोअर मिडिल, फिर अपर मिडिल, तो तीसरी कैटेगरी और चौथी सबसे हाईएस्ट है, हाई इनकम, जो हम विकसित कहते हैं जी। फिर एक स्टेप रह जाएगी, पर उसको ऑफ कोर्स अनदर 20 इयर्स या कुछ लगेंगे, फिर 20 साल हार्ड स्लॉग जिसको कहते हैं जी। हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। तो इसके साथ ही मेरे कैमरा सहयोगी SP द्विवेदी के साथ हिमांशु शेखर।